राजस्थान में इस बार किसकी सरकार? राजस्थान में किसकी सरकार? बीजेपी सरकार, बीजेपी आएगी। बीजेपी ने बहुत काम कराया है और बीजेपी ने इतना काम कराया है और नरेंद्र मोदी बहुत काम कराया है। कोई राज्य में कोई कांग्रेस ही सपा और जनता दल किसने काम नहीं कराया, सिर्फ बीजेपी ने काम कराया है। और किशनगढ़ में जो काम कराया ना सुरेश ठाकरे ने कराया है। ये बात सही बोली इन्होंने, सुरेश ठाकरे ने काम कराया किशनगढ़ में और कोई एमएलए काम नहीं कराया। तो इस बार जो एमएलए के जो टिकट मिली है भागीरथ चौधरी को, इनके बारे में क्या लगता है फिर आपको? उनके बारे में नहीं बोल सकता, सुरेश ठाकरे के बारे में बोल सकता हूँ। सुरेश ठाकरे जो उन्हें रोड बनाई है और अब बढ़िया डाक मंगला में इन्होंने गार्डन बनाया है और यहाँ पर खड्डे थे, इतने खड्डे थे और है ना सुरेश ठाकरे आने वाले कभी उनको खड्डे नहीं थे और लाइटें और सब जो गए। और ये बताओ सुरेश ठाकरे जो है ना आपकी एमएलए बनेगा और सुरेश ठाकरे और किशनगढ़ में विकास होगा और आगे बढ़ेगा किशनगढ़। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ सुरेश ठाकरे को ये रोड आ गया है, अभी कॉलेज के पास बहुत सी ऐसी रोड है जो वो कुछ नहीं गए, जो सड़क बनी हुई है पहले बनी हुई है, सुरेश ठाकरे क्या कर रहे हैं? ये कह रहे सुरेश ठाकरे कुछ भी नहीं करा है। हमारे गांव के अंदर भागरे जी ने स्कूल बनाई और वो बोलता है मैंने बनाई है, कुछ भी काम भागरे जी किया था उसने पहले। भागरे जी का हेलीकॉप्टर का सब भागरे जी चौधरी बनाई है, पांच साल में विकास हो जो आज जो खड़ा हुई है। क्या कहना चाहेंगे भैया? पांच साल में इतने काम नहीं होते हैं, इतना बड़ा किसी में क्षेत्र है पांच साल में इतने नहीं होते हैं, तो पांच साल और मौका दोगे ना सुरेश ठाकरे को और काम कराएगा। ये कह रहे पांच साल और देंगे मौका जब काम कराएंगे, तो पांच साल तो मेरी सब आज जो कह रही काम में आगे हिसाब में जगह हिसाब में जो आज काम कह रही आज भागरे चौधरी जो भी विकास चौधरी आज वही काम कह रही पांच साल के लिए तो करेंगे। डेढ़ सौ सीट आ जाएंगे तो कहीं निर्दलीय कोई महत्व नहीं है, इनको है ना वो पूरे साथ गवाह देने वाले लग रहा है। फिर बाद में निर्दलीय का क्या रोल होगा फिर बाद में? ये तो कह रहे चल जाएगी, क्या चल जाएगी? पूरी 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 हाँ। पूरी चल जाएगी, पूरी बोल रहे हैं हाँ। और मैं कह रहा हूँ ये बोल रहे पूरी चल जाएगी तो पूरी ही तो है ना, आप बोल रहे क्या? हम भी चाहते हैं केंद्र में मोदी और किशनगढ़ में सुरेश ठाकरे, ये होता है विकास बोलता है जनता के साथ में। जनता धरातल पे देखो, पत्रकार हो आप, चौथा स्तंभ कहलाते हो आप इंडिया का, धरातल पे सर्वे करो सुरेश ठाकरे जीतेगा किशनगढ़ में। बात सुनना क्या रे कौन आएगा? मोदी 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 सुरेश ठाकरे है और रहेगा। हाँ सुनो, ये गांव में जाके देखोगे तो पता चलेगा कि इन्होंने पांच साल में क्या किया है, सिर्फ सिटी में सिटी। यहाँ भागीरथ चौधरी जीतेगा, ये कह रहे हैं भागीरथ चौधरी। अच्छा ये तो ये बहुत हो, आपको भागीरथ चौधरी जीतेगा, इनको पूछो भागीरथ चौधरी ने क्या काम कराया, क्या नहीं किया। आप लोग ये बताओ गाँव में पानी की व्यवस्था करवाई है उन्होंने, जगह जगह रोडे बनवाई है, जगह जगह जहाँ जिस आदमी को जरूरत पड़ी उसको विकास का काफी रोड से लेके पानी से लेके टंकियों तक लेके घर घर पानी नल योजना पहुंचाई है उन्होंने। पानी तो शुरू से आता था, सही है पानी तो शुरू से आता था, लेकिन रोड में जो इकट्ठे थे ना वो गाड़ी मोटरसाइकिल चलते थे ना वो टक्कर पड़ जाते पंचर हो जाते। गाँव में जाके देखेगा तो पता चलेगा कि विकास क्या हुआ है। अभी आप ये सुरेश ठाकरे जी की बोल रहे हैं, इनको ये पूछो कि गांव में क्या किया उन्होंने, पांच साल में गांव में जाके देखे ही नहीं है वो कि क्या चल रहा है गांव में, सिर्फ यहाँ पे ही किया है। युवा किस तरफ है इस बार? योगी आना चाहिए, सुरेश ठाकरे यहीं पे। युवा किस तरफ है? कांग्रेस बीजेपी किसके साथ है? युवा जाएगा बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ युवा हमेशा बीजेपी के साथ रहा और बीजेपी के साथ ही जाएगा। हम भी बीजेपी के हैं, सुनो सुनो, हम भी बीजेपी के हैं, हम भी हम चाहते बीजेपी आने से राजस्थान में, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छे विकास कराती है कार्य शांति लगे। सुनो हमको राजस्थान में बीजेपी चाहिए और किशनगढ़ में सुरेश ठाकरे चाहिए। क्या लग रहा है सीएम का चेहरा इस बार कौन?
बीजेपी अंडचा राजस्थान सीएम का चेहरा कौन लगाएगा? बालकनाथ, बालकनाथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की आने वाली है। अगर आप निर्दलीय को लेके आते हो, ये तो सुरेश जी ठाकुर की बता रहे हैं, अगर दोनों बीच में टक्कर नहीं चलती तो सुरेश जी ठाकुर को कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ कुछ विकास धरातल पे कुछ भी नहीं होना था। वो दोनों सुरेश ठाकुर को कुछ भी नहीं मिलना था, पांच साल में किशनगढ़ काफी पीछे चला जाना था। वो तो अशोक गहलोत और उसके पायलट के बीच में टक्कर नहीं होती ना, तो उसको कुछ नहीं मिलना था, बिल्कुल खाली हाथ रहना था। नरेंद्र मोदी की बात बताओ, एक बार सुनो, नरेंद्र मोदी के राज में भारत में कभी दंगे नहीं हुए, और हर राज्य में नरेंद्र मोदी ने विकास कराया, हर तीर्थों में नरेंद्र मोदी ने विकास कराया। और नरेंद्र मोदी मतलब जितने कांग्रेस वाले, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया तो मतलब पूरे भारत का, और जो तीर्थ में ध्यान भी नहीं दिया, सिर्फ वो ध्यान देते थे, सिर्फ किस में ध्यान देते थे बताओ आपको? गुंडाराज में, भ्रष्टाचार में ध्यान देते। वो अपने घर में 70 साल से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपका अगर विकास कराना चाहिए, आपको सत्ता मिली है, 70 साल में क्या काम कराया? कुछ नहीं कराया। और हमने जो काम कराया ना, गरीब को आना, गरीब के लिए भोजन, गरीब के लिए मकान, मकान दिए, और गरीब के लिए उसका सब सुविधा दी है गरीब के लिए। और दूसरी बात, और जितने भी राम जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और नरेंद्र मोदी की देन है, और कांग्रेस होती ना तो राम मंदिर बन। क्या कहना चाहिए वो मुझे, आप किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो अभी कोई पता नहीं है सरकार का, तो वैसे दोनों की लग रही है बराबरी, मेरे को तो बराबर लग रही है। मुख्यमंत्री जरूर चेंज होना चाहिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री है? वो बालक दास है ना, योगी, वो बनना चाहिए, बालकनाथ वो बनना चाहिए। धन्यवाद।